हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं जनवरी 2021 मेष राशि पर। मेष राशि के लिए नया साल क्या न्यू चेंजेस लेकर आया है और क्या ग्रोथ उनके करियर में होने वाली है, क्या बदलाव उनको लाने चाहिए और उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब हम जानेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। गाइज, दो एंजल मैसेज भी मेरे पास है कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी एनर्जी में करने चाहिए, ये सब आज हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। लव मैसेजेस भी मैंने आज रखे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि एक मैसेज आपके लिए क्या है जनवरी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि पर जनवरी 2021 के लिए। अकॉर्डिंग टू करियर मैं यहाँ देख रही हूँ द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत टाइम से कुछ ना कुछ रिसर्च चल रही थी लाइफ में कि क्या चेंजेस करूँ अपने करियर में, क्या न्यू बदलाव ला सकता हूँ और क्या एक्स्ट्रा मैं उसको चेंज करके और अपनी पोजीशन को बेटर बना सकता हूँ। ये सब रिसर्च मुझे दिख रही है कि दिसंबर तक आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे अपने काम को लेकर और जो भी चेंजेस आप लाना चाह रहे थे, हो सकता है आप ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग लाना चाह रहे हो, तो क्योंकि हाँ मुझे ट्रैवलिंग कार्ड दिखा रहा है कि कुछ टूर रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं और जो भी चेंजेस आप लाने वाले हैं वो जनवरी में डेफिनेटली आप लाएंगे और उसमें सक्सेस भी मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि जो भी बदलाव आप ला रहे हैं उसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करके आपने ये डिसाइड किया है कि किस तरह के बदलाव मुझे लाने चाहिए और बहुत ही सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे ये सब नज़र आ रहे हैं। 2021 कुछ न्यू आपके बिजनेस में ग्रोथ भी लेकर आ रहा है और जैसा कि मैं यहाँ क्रिएटिविटी कार्ड देख रही हूँ आउटकम में, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये सब आपकी मेहनत का ही फल है। जो भी किया है आपने बहुत स्ट्रगल से किया है और जो भी आपको सक्सेस आप देख रहे हैं, खुद अपना जो आप फील कर रहे हैं कि जो जिस तरह मैं चेंजेस लाऊंगा और जो आपकी प्लानिंग्स है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहने वाली है जनवरी में और आपको जो भी चेंजेस आपने सोच लिए हैं वो लाने ही चाहिए, जिससे कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ न्यू एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो सकती है एंड जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा, मीन्स गॉड की ब्लेसिंग्स है उस पर और डेफिनेटली आपको करना चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल बन सके। द सन कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि नेम, फेम और सक्सेस बहुत ही वेट कर रही है आपका और जनवरी में डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको बस आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, अपने काम में स्टार्ट कर दीजिए, जो बदलाव आपको लाने हैं वो स्टार्ट कर दीजिए और अपने मन से, मन की सुनिए। आप जब अपनी मन की सुनेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस को पाएंगे, क्योंकि द क्रिएटिविटी कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जो भी क्रिएट करना है, जो एनर्जी को चेंज करना है वो आप खुद ही कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी रहेगा डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू लव कार्ड्स अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो कुछ रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ वो बिल्कुल सही पर्सन नहीं है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली आप हर्ट मुझे अभी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी जनवरी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक सेकेंड चांस फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर आप अपने ही प्यार को एक और मौका बहुत दिल से, मतलब अच्छे से आप उसे देना चाहते हैं। आप सब पुराना भूल कर, जो भी हुआ आपके साथ उस सब से हट कर अभी आप कुछ नया आप सोचना चाह रहे हैं और उससे कि उससे आपकी लाइफ फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाएगी, जो कि द सॉलमेट कार्ड मुझे यह दिखाता है कि या तो कुछ न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर, क्योंकि द जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका पुराना लाइफ पार्टनर है, जो भी आपका प्यार है, उसको फिर से आप एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो बेस्ट होगा।
अपने पुराने प्यार को भी आप नए पन के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो दिसंबर में जो भी मतलब हुआ है आपकी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव, उन सब को भूलकर जनवरी में नए साल में एक नई शुरुआत करने का समय है और वो शुरुआत आपके लिए बेस्ट भी होगी और आपको सक्सेस की तरफ भी डेफिनेटली लेकर जाएगी। आपकी एनर्जी जो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ब्रेक नज़र आ रही है वो द सन कार्ड फिर से जनवरी में आपकी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए रेडी है और सक्सेसफुल भी है। नेम फेम सक्सेस जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप नए साल में पा सकते हैं। मेष राशि के लिए दो एंजल मैसेज भी यहाँ पर है जो कि बहुत ही यूजफुल है। गॉड बॉक्स एंजल आपको कह रही है कि जो भी आपकी विशेष है, जो भी आप चाहते हैं कि 21 में मेरी ये विशेष कंप्लीट हो जाए, उन सबको एक पेपर पे लिखिए, एक एक पेपर पे अलग अलग लिखिए और एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में आप डाल दीजिए और डेली प्रे करिए अपनी एंजल से। सबकी एक एंजल होती है, आप भी अपनी एंजल से प्रे करिए कि मेरी ये विशेष जल्दी से पूरी हो जाए और जैसे जैसे आपकी विशेष पूरी हो जाए उसमें से आप उस विश को निकालते रहिए। तो एक एंजल आपको मैसेज दे रही है कि आप गॉड बॉक्स बनाइए और आप खुद उसको हील करिए। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, मीन्स आप खुद उसको हील कर सकते हैं। आप खुद, आप में खुद में इतना पावर है कि आप भगवान तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए और एक नया बॉक्स बनाया जाए जिसमें अपनी विशेज लिखी जाए और उस विशेज को भगवान तक, अपनी एंजल तक पहुँचाया जाए जिससे कि जल्द से जल्द आपकी विशेज कंप्लीट होती जाए। अपनी एनर्जी को फिर से एक बार पॉजिटिविटी में लाइए। जो भी मुझे यहाँ पर दिसंबर तक मन में बहुत सारे स्ट्रगल दिख रहे थे, मन में बहुत सारी बातें, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें थी, ओवर थिंकिंग थी, वो सब अब रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। जनवरी नया साल, एक नई शुरुआत करने का है और आगे बहुत सब पॉजिटिव है। तो ऑल द बेस्ट मेष राशि, जो भी आप डिसीजन ले उसमें आप सक्सेसफुल रहें उसके लिए। एंड एक लव मैसेजेस मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। माय सोलमेट, जैसा कि आपका कार्ड भी सोलमेट कार्ड निकला था तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में है वो एक सोलमेट है या फिर आपकी सोलमेट जनवरी में आपको मिलने वाली है या मिलने वाला है, तो उनका वेलकम करिए बहुत हैप्पी होकर, पॉजिटिव रहकर। और प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सॉलमेट आपको कब मिला। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपको वो मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।